नमस्कार, कोरोना योग एपिसोड 32 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे जलंधर बंद का महत्व, उसको लगाने की तकनीक, उसके प्रभाव और उसके निषेध। क्या है जलंधर बंद? कंठ की मांसपेशियों का संकोचन करके ठुड्डी वाले भाग को कंठकूप में अर्थात दोनों हंसलियों के मध्य लगा देना जालंधर बंद कहलाता है। जालंधर बंद का अभ्यास आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों अवस्थाओं में किया जा सकता है। घेरंड संहिता में महर्षि घेरंड कहते हैं कि यदि एक योगी 6 महीने तक निरंतर नियम से यदि जालंधर बंद का अभ्यास करता है तो वह इसकी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। किसको जालंधर बंद का अभ्यास नहीं करना चाहिए, यह जानकारी भी हमें होनी चाहिए। वैसे तो तीनों ही बंधों का अभ्यास कुंभकों के साथ सामान्यतः किया जाता है, अतः इसका अभ्यास हृदय रोगी, अस्थमा रोगी और उच्च रक्तचाप के रोगी को नहीं करना चाहिए। जालंधर बंद में गर्दन वाला भाग आगे झुकता है, इसलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रोगियों के लिए भी इस बंद का प्रावधान नहीं है। जालंधर बंद हम जो लगाते हैं इसकी तकनीक को पहले आप समझेंगे, फिर इसे हम विस्तार में इसके प्रभावों को देखेंगे। पहले हम पद्मासन लगा लेंगे, जबकि यह सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन या सुखासन या वज्रासन, आप किसी अन्य स्थिर आसन में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पद्मासन लगाकर दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रख दें। आप इसका अभ्यास प्रतिदिन अपने आसनों में करते हैं। जालंधर बंद का अभ्यास जैसा कि सर्वांग आसन में स्वतः ही जालंधर बंद लग जाता है, ऐसे बहुत से आसन हैं जिसमें आप जालंधर बंद का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम में भी जालंधर बंद का अभ्यास होता है, मुद्राओं के अभ्यास में भी जालंधर बंद का अभ्यास होता है। लेकिन जब हम जालंधर बंद का अभ्यास अलग से करते हैं तो कब करना चाहिए? जालंधर बंद का अभ्यास ज्यादा प्रभावकारी कब है? आसन और प्राणायामों का अभ्यास करने के पश्चात और ध्यान के अभ्यास से पूर्व अगर इसका अभ्यास किया जाए तो यह अधिक महत्वपूर्ण और लाभकारी कहलाता है। पद्मासन में दोनों हथेलियों को पलट करके घुटनों पर रख दें। ध्यान दें कि घुटने आपके जमीन पर टिके हों। पश्चात आप एक गहरा श्वास भरें, आंखें कोमलता से बंद कर लें। गहरा श्वास भरकर कंठ की मांसपेशियों का संकोचन करें और ठोड़ी को कंठकूप में लगा लें। कंठकूप में लगा करके श्वास को भीतर रोकें। तब तक रोकें जब तक आप आसानी से, सरलता से, सहजता से रुक सकते हैं, और जब ना रुक पाए तो धीरे धीरे पहले बंद को खोल दें, पश्चात आप श्वासों को सामान्य करके रोकें। एक बार आप क्रिया को देखेंगे फिर आगे चलेंगे। आपने इसमें देखा कि कंधे थोड़े आगे की ओर झुक करके ऊपर की तरफ उठे और भुजाएं सीधी हो गई थी। इसमें इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जब आप थोड़ा सा कंधों को आगे झुकाते हुए ऊपर उठाते हैं तो बाजू आपकी सीधी होंगी, बंद आपका अच्छा लगेगा और हथेलियों से घुटनों पर हल्का सा दबाव बनेगा, जिससे कि यह बंद अधिक प्रभावकारी होता है। आइए इसके लाभ देखें। इसके लाभ क्या है? शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर।
तीन भागों में बांटे। सर्वप्रथम शरीर की जितनी भी नाड़ियां हैं वो कंठ से होती हुई मस्तिष्क में जाती है। जब यह बंध लगाया जाता है तो वो सभी नाड़ियां सक्रिय बनती हैं। यहां पर एक विशेष साइनस है जिसे कैरोटिड साइनस बोलते हैं। उस साइनस के प्रभाव में आने से दो काम हमारे शरीर में बहुत सहज रूप से और सक्रिय रूप में होने लगते हैं। एक वो हमारी रक्त परिसंचरण, जो रक्त मस्तिष्क की तरफ जाता है, जो धमनियां मेरी रक्त को मस्तिष्क में लेकर के जाते हैं हृदय से, वो उससे संबंधित है। वे धमनियां हमारी सक्रिय बनती हैं जिससे कि मस्तिष्क में रक्त का परिसंचरण अच्छा बनता है। दूसरा उससे मेरी श्वसन नलिका संबंधित है, तो जिससे मेरे फेफड़ों में फिर दो काम होते हैं। नंबर एक, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। नंबर दो, अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, अर्थात मेरा श्वसन तंत्र भी मजबूत बनता है। यहीं पर मेरी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि प्रभाव में आने से, उसकी सक्रियता ठीक होने से मेरे शरीर का चयापचय मेटाबॉलिज्म बढ़िया बनता है। बच्चों में जलंधर बंध लगाने से शारीरिक विकास अच्छा बनता है। पैराथायराइड ग्रंथि की मालिश होने से शरीर में हमारे कैल्शियम का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण बढ़िया बनता है, जिससे कि मेरे हृदय और स्नायु तंत्र को शक्ति मिलती है। और इसके अतिरिक्त आप जब मानसिक स्तर पर आप समझेंगे इसके प्रभाव को, तो मेरा जो तनाव है वो खत्म होता है, चिंताएं खत्म होती हैं, मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है। अध्यात्म में ऐसा माना जाता है कि इस जलंधर बंध के लगाने से विशुद्धि चक्र, बिंदु चक्र और सहस्रार चक्र पर विशेष प्रभाव होता है। कुंडलिनी योग में यह कहा गया है कि बिंदु चक्र से जो विशेष हार्मोन स्रावित होता है वह पेट में जब पहुंचता है तो उससे वृद्ध अवस्था तेजी से आने लगती है। लेकिन जब हम जलंधर बंध लगाते हैं तो यह क्रिया बंद हो जाती है और अमर तत्व को व्यक्ति प्राप्त करता है, अर्थात उसकी दीर्घ आयु बनती है। सहस्रार चक्र, बिंदु चक्र, विशुद्धि चक्र के जागृत होने से साधक के लिए समाधि और ध्यान में जाना सहज हो जाता है। एक जलंधर बंध जो कि मुझे शारीरिक लाभ भी देता है, मानसिक लाभ भी देता है, आध्यात्मिक पक्ष को भी विकसित करता है, अतः एक योगी को इसका अभ्यास प्रतिदिन अपनी साधना में अवश्य करना चाहिए। ध्यान से पूर्व इसका अभ्यास करने से ध्यान में जाना सहज हो जाता है, अतः इसका प्रतिदिन अभ्यास करें और स्वस्थ रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।